हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन डाइमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके लिए हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी और साथ ही हमने हार्मोनिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन के बारे में। सो यदि एक वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ई एन एनर्जी स्टेट के लिए उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेव फंक्शन हम साई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट विल बी गिवन इक्वल टू द ए एन ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एच एन, विच इज द फंक्शन ऑफ द वाई पैरामीटर। यहाँ पर हमने एक नया पैरामीटर अब इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द ए एन। ये ए एन पैरामीटर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहलाता है एंड द वैल्यू ऑफ इट्स नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो फर्दर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ए एन को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक का, एंड इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डी एक्स। अब क्योंकि हमारा जो साई एन वेव फंक्शन है उसमें कोई भी आयोटा की टर्म अवेलेबल नहीं है, सो सिंपली साई एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी साई एन के इक्वल होगा, सो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट ए एन एच एन वाई ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ अज्यूम किया है लेट वाई इज इक्वल टू द, ये हमने पहले भी अज्यूम किया था, लेट वाई इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस इंटू द एक्स। अभी हमारे पास में जो इंटीग्रल की लिमिट है वो डी एक्स के लिए है। अब क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हर्माइट पॉलिनोमियल y का फंक्शन है और हमारे पास में यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू के टर्म है, सो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें उसको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू लिख रहे हैं एंड y इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो dy विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस इनटू dx। सो यहाँ से हम dx की वैल्यू को dy के फॉर्मेट में इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट ए एन एच एन वाई ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर विल बी देयर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ द एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा इनटू डी वाई एंड इट विल बी इक्वल टू द वन, इक्वल टू द वन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, जिसे हम हिंदी में सामान्यकरण की कंडीशन स्थिति बोलते हैं। सो इसलिए हमने इसको इक्वल वन के इक्वल रखा है। फर्दर अब हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ये कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एच एन वाई का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है टू रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल। सो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि एच एन वाई का होल स्क्वायर और ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारी अबव इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाता है ए एन का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा इंटू टू रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन अंडर रूट ऑफ पाई एंड इट विल बी इक्वल टू द वन। नाउ लेट अस अज्यूम हियर दैट अल्फा इज इक्वल टू द एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, सो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द अल्फा टू रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन अंडर रूट ऑफ पाई एंड इट विल बी इक्वल टू द वन। सो इस रिलेशन के द्वारा हमें नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट मीन्स ए एन की वैल्यू मिलेगी। सो रीअरेंज करते हैं देन ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द अल्फा अपॉन टू रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल एन अंडर रूट ऑफ पाई।
सो ए एन विल बी इक्वल टू दी अल्फा अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/4 इंटू 2 रेज टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन रेज टू दी पावर -1/2. सो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ दी अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ दी पाई इंटू 1/2 रेज टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन रेज टू दी पावर 1/2. सो अब हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है और हमारा जो वेव फंक्शन था साई एन फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ई एन दैट वॉज इक्वल टू दी ए एन ई रेस टू दी पावर -y² / 2 × h n/y. सो यहाँ से अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करते हैं जिसके लिए n की वैल्यू 0 के इक्वल है, सो फॉर m इक्वल टू दी 0 साई नॉट विल बी साई नॉट के लिए हम ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे और जब हम इस रिलेशन में n की जगह पे 0 रखते हैं तो ए नॉट की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4. सिमिलरली जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं जिसके लिए n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, सो उस कंडीशन में a1 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू 1/√2. सो जनरलाइजेशन फॉर्म में हम साई एन एक्स की वैल्यू लिखेंगे ए एन इंटू ई रेज टू द पावर -y² / 2 × h n/y. अगर हमें उसके x के फॉर्मेट में लिखना हो तो ए एन की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n रेज टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर -y को हमने x के टर्म में लिखा तो -α² / 2 इंटू h n विच इज अ फंक्शन ऑफ द x अंडर रूट ऑफ द अल्फा. जहां पे हमने लिखा है y की जगह पे तो लिखा है अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस इंटू x एंड y विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द अल्फा इंटू x, क्योंकि m ओमेगा अपॉन h क्रॉस को हमने अल्फा के इक्वल अज्यूम किया है. सो इस कंडीशन में हमारे पास में ये एक वेव फंक्शन इक्वेशन नंबर 32 के द्वारा हमें एक वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन का फॉर्मूला मिलता है. अब आगे हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास में ये हर्माइट पॉलिनोमियल है, दैट इज एच एन. सो हर्माइट पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दिया जाता है -1 raised to the power n e raised to the power q square dn e raised to the power -q square divided by dqn and it will be equal to the -1 raised to the power n e raised to the power, क्योंकि हमने यहाँ पे y के फंक्शन के लिए लिखा है तो हमारा जनरल फॉर्मूला होगा h n y का -1 raised to the power n e raised to the power y square d raised to the power n e raised to the power -y² dyn. अब यहाँ पे अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करेंगे तो n की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, फर्स्ट एक्सेल स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी. सो सबसे पहले अगर हम जीरो ऑर्डर के हर्माइट पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में n की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू 0 होने पर h नॉट y, इस रिलेशन में जब हम n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल. सिमिलरली जब हम n की जगह वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें h1 y मिलेगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी 2 y. अगर हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की मैं बात करती हूं तो सेकंड ऑर्डर के लिए n विल बी इक्वल टू दी 2 एंड h2y विल बी इक्वल टू दी 4y² - 1 एंड फॉर n इक्वल टू दी 3 h3y विल बी इक्वल टू दी 8y³ - 12y. सो इस प्रकार से n बराबर 0 के लिए हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए वेव फंक्शन मिलेगा, n बराबर 1 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, n बराबर 2 के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हुए हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं और साई एन के रिलेशन में पुट करके करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन. ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साई एन. ए एन की वैल्यू क्या आई थी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, ए एन यानी कि ए नॉट की वैल्यू थी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4. सो साई एन जिसमें एन की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ तो साई नॉट की वैल्यू होगी ए नॉट एंड इट इज द अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई रेज टू द पावर -α² / 2 और एच नॉट वाई की वैल्यू 1 है. सो ये तो हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन.
अब अगर हमें इस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को प्लॉट करना है y के साथ में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ, ये हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है साइन नॉट के लिए, दैट इज द अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 है। सो इसका ग्राफ इस टाइप से हमें मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। सिमिलरली हम n इक्वल टू 1 के लिए भी हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम n इक्वल टू द 1 के लिए निकालेंगे दैट विल बी द आइगन फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ द 2 मल्टीप्लाइड बाय द अंडर रूट ऑफ द अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा एक्स। सो ये हमारा जो साइवन क्यू है, ये साइवन वाई हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे क्यू पैरामीटर वाई पैरामीटर है। सो सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन को। इस प्रकार से हम हायर ऑर्डर के लिए भी वेव फंक्शन लिख सकते हैं। अब आगे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे वन डाइमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी किया है और क्लासिकली भी हमने स्टडी किया है। सो नाउ इट इज द टाइम टू प्रेजेंट अ कंपैरेटिवली व्यू फॉर द वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्रेजेंटिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टर्म में वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो क्लासिकली हम जानते हैं कि वन डाइमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू द माइनस के एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू द एफ इज इक्वल टू द एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। सो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स विल बी इक्वल टू द जीरो, और यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आती है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी वी का फॉर्मूला आता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर जो कैपिटल ए है यह है इसका एम्पलीट्यूड है, साथ ही हम v को x की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू द ओमेगा अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिकली वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 k एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है, और अगर हम यहाँ पे इनके टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं लाइक माइनस ए और प्लस ए पॉइंट पे तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 k ए स्क्वायर और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो कर्व है ये तो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, और जो ये डैश्ड लाइन है ये उसकी टोटल एनर्जी को बता रही है। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस ए पॉइंट की बात करती हूँ तो इन पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी यानी कि e की वैल्यू v पॉइंट से मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं ये जो डैश्ड लाइन है ये टोटल एनर्जी बता रही है, और ये जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इस पॉइंट पर इक्वल होगी, अब वो पॉइंट है प्लस माइनस ए। सो एट द वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू द प्लस माइनस ए, ई विल बी इक्वल टू द वी एक्स, यानी टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। टोटल एनर्जी 1/2 h/ω एंड इट विल बी इक्वल टू द 1/2 m ω² a². सो यहाँ से अभी हमने एम्पलीट्यूड यानी कि ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड दैट इज विल बी इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, उसको हम एनर्जी के टर्म में लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए विल बी इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी 2e अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम ये कहते हैं कि यदि एक्स पॉइंट पर डी एक्स इंटरवल में ऑसिलेटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया जाएगा पी सी। पी मतलब है प्रोबेबिलिटी, सी का मतलब है क्लासिकली, क्योंकि हम यहाँ क्लासिकली ऑसिलेटर की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। सो पी सी एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम क्लासिकली एक्स डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल की। सो पी सी एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है कि उसने इस इंटरवल में कितना टाइम स्पेंड किया,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। सो अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें द्वारा स्पेंड किया गया टाइम है 2dx ओवर v डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पीरियड है t। अब क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल, यानी कि टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 2dx और वेलोसिटी है v। सो पी सी एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2dx अपॉन v इंटू दी t। आगे हमने लिखा है t की जगह 2π बाय ओमेगा, फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आता है ओमेगा dx डिवाइडेड बाय दी v इंटू दी पाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सो फाइनल एक्सप्रेशन जो अभी हमने लिखा है दैट इज ओमेगा dx अपॉन v इंटू दी पाई। अभी हमने ऊपर वेलोसिटी का निकाला था, v की वैल्यू आई थी ओमेगा अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से हमने पी सी एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टर्निंग पॉइंट्स यानी कि प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू द प्लस माइनस ए पॉइंट है, इन पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। सो वाई हमने ये अज्यूम किया था that y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ द अल्फा इंटू दी एक्स, सो डी एक्स विल बी इक्वल टू दी डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ द अल्फा। सिमिलरली हम इसको y की कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लासिकली y कोऑर्डिनेट की फॉर्म हो जाएगी पी सी विच इज अ फंक्शन ऑफ द y डी वाई एंड इट विल बी इक्वल टू दी, यहाँ पे हम क्या करेंगे डी एक्स की जगह लिखेंगे डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा। सो पी सी वाई डी वाई विल बी इक्वल टू दी डी वाई डिवाइडेड बाई दी अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू पाए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां से हमारा जो अंडर रूट ऑफ अल्फा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मेट में हो जाएगा डी वाई अपॉन पाए अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा। सो फाइनली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पी सी वाई डी वाई की वैल्यू होगी डी वाई अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। सो ये तो अभी हमने यहाँ पे क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट की है। अगर हमें क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी की बात करनी होती है तो उसका फॉर्मूला हम देंगे पी क्यू वाई से। क्यू का मतलब है क्वांटम मैकेनिकली और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। तो पी क्यू वाई और क्वांटम मैकेनिकली उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ द साई एन वाई के होल स्क्वायर से। सो अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है इस ग्राफ में हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए उसका प्रोबेबिलिटी प्लॉट दैट विल बी फॉर द साई नॉट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। सो ये हमारा अब क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं माइनस ए और प्लस ए, इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा ए और प्लस अल्फा ए पॉइंट पर, ये हमारे प्रोबेबिलिटी के कर्व को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये तो हमारा साई नॉट के लिए प्लॉट था, सिमिलरली अगर हमें साई वन के लिए अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द साई वन का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सो इस कंडीशन में हमारा जो प्लॉटिंग होगी मॉड ऑफ साई वन वाई का होल स्क्वायर। सो ये जो हमारा कंटिन्यूअस लाइन है ये हमारा मॉड ऑफ साई वन वाई का होल स्क्वायर का प्लॉट होगा। सो अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली हम देख सकते हैं कि जब एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम देख रहे हैं यानी कि मॉड ऑफ साई एन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली एक्स बराबर जीरो पर मैक्सिमम है। और जब हम बात करते हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने यहां पर ये देखा था एक्स बराबर जीरो पॉइंट पे। सो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं तो माइनस ए और प्लस ए पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और एक्स बराबर जीरो पे
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम होती है। ये हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और ऊपर है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लासिकली तो हम ये कहते हैं कि x बराबर प्लस माइनस a के बाहर ऑसिलेटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उसके बाहर जाने की कुछ न कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। और जैसे जैसे मोड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो दूरी बढ़ने पर इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाती है। बट लेकिन हम क्वांटम मैकेनिकली एक बिहेवियर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, लाइक आप यह फिगर में देख सकते हैं, अगर हम साई 10 y के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। तो मॉड ऑफ साई 10 y स्क्वायर का प्लॉट हम ये देख सकते हैं इस टाइप से। तो जब हम हायर n की बात करते हैं उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्लासिकल रिजल्ट से मैच करता है, यानी कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी है और क्लासिकल मैकेनिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हमें मिल रही है। हम देख सकते हैं माइनस ए और प्लस ए पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है। सो फॉर बट इट एग्जिस्ट फॉर द लार्जर वैल्यूज ऑफ एन। सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर बात करी है इनकी प्रोबेबिलिटी की। अब आगे मैं बात कर रही हूँ जीरो पॉइंट एनर्जी की। देखिए क्लासिकली तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था 1/2 h/ω से, और साथ ही अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 kx² + px² / 2m, इट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो E को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1/2 k डेल्टा x का होल स्क्वायर। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्मेट में हमने लिखा है, जिसमें हम कहते हैं दैट डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन टू। सो यहाँ से हमारे पास में डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा x। सो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में डेल्टा पी एक्स की जगह पे एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा एक्स रखेंगे। सो ई विल बी इक्वल टू दी 1/2, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात कर रही हूँ तो उस केस में डी ई यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए। सो dE ओवर d ऑफ डेल्टा x शुड बी इक्वल टू दी जीरो। तो यहाँ पे हम इसका डेल्टा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x का होल क्यूब प्लस 2k डेल्टा x एंड इट विल बी इक्वल टू दी जीरो। यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में डेल्टा x की वैल्यू आती है एंड दैट विल बी इक्वल टू दी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m के, और डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ m के। सो अब फाइनल अगर हमें ये मिल गया है कि डेल्टा एक्स की इस वैल्यू पर ऑसिलेटर की एनर्जी मिनिमम होगी, तो अब हमारे पास में जो ये फॉर्मूला था e का, इस फॉर्मूले में हम डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ये हमारा फॉर्मूला है ई का, और इसमें अगर हम डेल्टा एक्स की वो वैल्यू पुट कर दें तो हमें ई मिनिमम मिलेगा। सो हमने यही किया है, उस फॉर्मूले में हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की एंड दैट इज इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एम के। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है 1/2 एच क्रॉस ओमेगा के। सो ये हमने एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जीरो पॉइंट एनर्जी, जिसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। सो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने क्लासिकल मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, वहीं दूसरी ओर हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी किया। दोनों केसेस में हमने उसके लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया और एक कंपैरेटिवली व्यू हमने उसके लिए प्रेजेंट किया है, और करेस्पॉन्डिंग n की वैल्यूज के लिए उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो अब बात आती है इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है।
सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी आइगेन वैल्यूज एंड आइगेन फंक्शंस एंड डिस्कस द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक इन एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.